ठीक ना, शुरू करें। चलिए, तो झारखंड में जो कैलेंडर था आपका जेएसएससी का, उसके अनुसार थोड़ा काम लग रहा दिख रहा है, अब काम होना शुरू हो गया। जेएसएससी का जो कैलेंडर है उसमें सब दिया था डेट सब एग्जाम का, सीजीएल के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए, ठीक है, आईटीआई वाला आया था उसका पोस्टपोन हो गया, और बाकी सब इंटर वाला, मैट्रिक वाला, सारा जो जेएसएससी का एग्जाम है उसका कैलेंडर है उसको दिया हुआ है। विश्वास तो खैर नहीं होता है कि एग्जाम लेगी भी या क्या करेगी, लेकिन जिस तरह से अभी चल रहा है गतिविधि जेएसएससी का, तो अब लग रहा है कुछ पॉजिटिव होकर पढ़ा जाए। तो मेरी बार बार ही सलाह है, हम हमेशा बोलते रहे कि देखिए आप लोग पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, कभी ना कभी तो आएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम कभी एग्जाम होगा ही नहीं होगा। तो जो पढ़ते रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा उनको, चाहे जेपीएससी में कोई जॉब मिल जाए आपको, जेएसएससी में मिल जाए, जेएसएससी में सीजीएल मिल जाए, इंटर मिल जाए, मैट्रिक मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। अभी झारखंड में सबसे जरूरी एक अदद नौकरी, झारखंड के जो लड़के बच्चे हैं उनके लिए एक अदद नौकरी किसको मिल जाए समझिए कि बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग अपना काम करते रहिए, जो अभी कैलेंडर में के अनुसार जो सीजीएल में, सीजीएल के अलावा जो इंटर लेवल का था, वो इंटर लेवल का जेएसएससी का वैकेंसी जो है सो निकाल दिया है। और ऑब्वियस सी बात है कि अब झारखंड में जो भी वैकेंसी आएगी सब में क्षेत्रीय भाषा सबको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो भाषा कोई भी हो, नागपुरी हो, खोखा हो, कुरमाली हो, पंचप्रगनिया हो, संथाली हो, मतलब ट्राइबल लैंग्वेज ओरिजिनल लैंग्वेज दोनों पढ़ना ही पढ़ना है सबको। तो इसमें मेरा काम था कि भाई खोखा थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो जेएसएससी खोखा का जो सिलेबस है एकदम साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, इसमें इसमें फिर से एक बार हमको वीडियो बनाना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल इसमें अभी 60% ही अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो 60% ही जो है सो किताब इसका सारा अवेलेबल है, मतलब खोटा भाव खोटा का जो पूरा सिलेबस का जो मटेरियल है वो सब आया नहीं है मार्केट में, सब नहीं है, कुछ है 60% है। तो जब 100% हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 से 5 दिन में हो जाएगा, 100% जो मटेरियल है ना, 4 से 5 या हार्डली 6 दिन के अंदर ये सारा मैटर धीरे धीरे आ जाएगा। क्योंकि कुछ किताब जो है वो झारखंड झरोखा वाले जो रांची वाले हैं उन्हें कहा है कि कुछ बुक आएगा, तो विश्वास है उन पे बुक आने वाला है, तो कुछ सिलेबस का बुक जो है सो आएगा, तो दोबारा हम लोग काम कर रहे हैं। अब जेएसएससी खोटा भाषा इंटर लेवल का सिलेबस है, 4 पार्ट में बटा हुआ है, एकदम साफ साफ क्लियर है। पहला भाग है भैया गद्य भाग, दूसरा भाग है इसका पद्य भाग, तीसरा है व्याकरण, और चौथा है निबंध। ये 4 भाग एकदम क्लियर है। इस निबंध का इस गद्य भाग से कोई संबंध नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात हम जो बोलेंगे बारीकी से बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सिलेबस एक बार सिलेबस दिमाग में आ गया तो अब बहुत लोग अभी अभी भी देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए सीजीएल का बच्चा फोन करके पूछता है कि सिंध माटी का जो पद्य भाग है हमको पढ़ना है कि नहीं, नहीं पढ़ना है, तो गद्य भाग में वहाँ मेंशन है, पद वहाँ मेंशन ही नहीं है। तो अभी भी बहुत लोगों का ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा पढ़ लिख लिए, यूट्यूब में कितने लोग एक्टिव है सब मिलाकर, हम सब देखते रहते हैं, 1200-1300 लोग एक्टिव हैं। तो 1200-1300 पे थोड़ी, 1200-1300 के अलावा भी इतनी परीक्षा, 1200-1300 के अलावा इतने लोग जो तैयारी करने वाले हैं उनको अभी भी सिलेबस का थोड़ा सा ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा बारीकी से। ये हो गया आपका पद्य भाग, ये हो गया आपका गद्य भाग, ये हो गया आपका व्याकरण, ये हो गया आपका निबंध, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इस निबंध का इस गद्य भाग से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यहां भी निबंध पढ़ना है, लेकिन ये निबंध जो है वो निबंध किताब है, उस किताब में जो दिया हुआ है उसको पढ़ना है। और ये जो निबंध है ये समसामयिक विषय पर निबंध जो लिखा जाएगा या आएगा उसके आधार पर सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, इस पर थोड़ा सा और विस्तार से हम बात करेंगे। तो गद्य भाग तो सबसे पहले देखते हैं, आपका पहला जो भाग है वो है आपका गद्य भाग। गद्य भाग में भी क्लियर है, गद्य भाग में भी एकदम क्लियर है। पहला देखिए गद्य भाग में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 में है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बुकारो की पुस्तक। ये किताब मार्केट में आ गई है, मिलना शुरू हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर से, ये किताब मार्केट में आ गई है, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो की जो पुस्तक है वो किताब आ चुकी है, ये किताब अब मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये पहला है, इसमें जो होगा उसको पढ़ा जाएगा। दूसरा आपका है खोटा निबंध, दूसरा आपका है खोटा निबंध। तो खोटा निबंध के जो निबंधकार हैं वो हमारे सबके हृदय अजीज पूजनीय
डॉक्टर बी एन उदार सर है ना, डॉक्टर बी एन उदार सर का खोटा निबंध है। खोटा निबंध में भी बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, इसमें जो हम बता रहे हैं वही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है। इसका मतलब उसमें जो संख्या है ज्यादा दिया हुआ है लेकिन उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो खोटा निबंध में पढ़ना है आपका सोपटा चलो है, जैसे सीजीएल वाले भी ये पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, उत्पाद सी वाले उसको पढ़ ही रहे हैं, ऑलमोस्ट सबको आइडिया है ही, ठीक है। अब तो नाम याद हो गया होगा, नाम याद हो गया होगा, 12 चैप्टर है जबान पे आपको, और जबान पे नहीं आया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का काम खाली पढ़ाना है, परीक्षा तो आप देंगे, परीक्षा आप निकालेंगे तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। सोपटा चले है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा बैजिका बगरा काम कम सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता एगो कुकरे के आत्मकथा प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सिरस्ताएं योगदान और उसके बाद भाई बहन के सुह प्यार के प्रतीक करम परम करम। उसके बाद आपका है आठवां आपका है फूल कर परब सरहुल आर्तकर प्रासंगिकता। नौवां है आपका छोटा नागपुर नैनीताल नेतरहाट। दसवां आपका है हामिन के संस्कृति आर्तकर उपरे संकट। ग्यारहवां है आपका खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी। खोटा का जो लेखन है वो परंपरावादी है कि जनवादी है, ये डिबेट का विषय है वास्तव में कि परंपरावादी है भैया कि जनवादी है। लास्ट में ये प्रूव होता है कि नहीं नहीं खोटा का जो लेखन है वो परंपरावादी नहीं है, हमारा जो खोटा जो लिखा जा रहा है वो परंपरागत नहीं है बल्कि जनवादी है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए है तो जनवादी है। और लास्ट चैप्टर आपका है हमें खड़ा हूँ, हमें खड़ा हूँ मतलब कि हम खड़ा हैं, हम चुनाव में खड़ा है उसी पे, चुनाव अभी झारखंड में है ना। तो ये 12 ही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है, ये 12 ही पढ़ना है। ये खोटा निबंध में, खोटा निबंध में आपका 1 से लेकर 12 तक ही पढ़ना है। तो इसमें आपका जो गद्य भाग है साफ साफ हम मतलब लिख दिए हैं पूरा साफ साफ, गद्य भाग में पहला पाठ दूसरा पाठ। अब आते हैं तीसरा पाठ, तीसरा पाठ है आपका दाह नाटक, तीसरा पाठ है आपका दाह नाटक सुकुमार जी का, सुकुमार जी का दाह नाटक है, बहुत ही चर्चित है। जेएसएससी सीजीएल वाले इसको पढ़ चुके हैं, इसमें दो भाइयों की कहानी है। दो भाई कैसे, दाह का मतलब वास्तव होता है ईर्ष्या जलसी, हर जगह ये हर परिवार में हर घर में भाई भाई में हर जिला में हर राज्य में है ना हर देश में ये जो दाह है ना ये ईर्ष्या हर जगह। तो दाह जो नाटक है इसको पढ़ना है आपको, दाह नाटक, ठीक है, दाह नाटक सुकुमार जी का ये नाटक है, दाह नाटक है बहुत चर्चित है, ठीक है। कैसे एक आदमी दोनों भाइयों को लड़वाता है और दोनों भाइयों में एक भाई जो बड़ा भाई है उसकी मृत्यु तक जाती है, डेथ हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें आप देख लीजिएगा ये दाह नाटक जो है आपका सुकुमार जी का, तो ये दाह नाटक आपका तीसरा पाठ है, तीसरा जो पाठ है, तीसरा जो पाठ है वो आपका है दाह नाटक। और चौथा पाठ है आपका हरीच डहर पंचम महतो का, जो कि मार्केट में अभी आया अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, आशा है कि कुछ ही दिनों में ये उपलब्ध होगा, और ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो फिर मुश्किल है। खोटा भाषा में बहुत सारा ऐसा किताब है जिसका प्रकाशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो सिलेबस बनाने वाले लोग बना रहे हैं तो कुछ सोच के बना रहे होंगे, हम लोग तो बहुत बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं टीचर सर लोग रांची विश्वविद्यालय में लोग बना रहे सिलेबस तो कुछ तो सोच के बनाए होंगे। तो ये फरीश डहर जो है, तो फरीश डहर आपका किताब आ जाएगा तो ये काम हो जाएगा। तो ये चार पार्ट आपका है गद्य भाग का एकदम पूरा क्लियर है, ये अगर मार्केट ये अगर मिल गया तो समझिए कि फिर आपका, तो जैसे ही मिलेगा वैसे मेरी जिम्मेवारी बनेगी एक बार फिर जाके थोड़ा सा आकर के और क्लास को फिर थोड़ा सा और कंटिन्यू करके इसको बड़ा कर दे कि ये पढ़ना है। तो ये आपका चार पार्ट है। अब पहला जो अगला जो है वो आपका है पद्य भाग है। पद्य भाग में एक पथिया डोंगल महुआ संतोष महतो का है, ये भी उपलब्ध नहीं अभी है, ये आएगा किताब, एक पथिया डोंगल महुआ। दूसरा जो है वो सबसे चर्चित है सोंध माटी, सोंध माटी में, सोंध माटी में डॉक्टर विनोद कुमार का, इसमें कविता वाला भाग, इसमें जो कविता वाला भाग है, कविता वाला जो भाग है वो पढ़ना है, जो कविता वाला भाग है वो पढ़ना है आपको, ठीक है। सोंध माटी का विनोद कुमार का जो कविता वाला भाग है वो पढ़ना है। कविता क्या क्या पढ़ना है आपको हम दिखा दे रहे हैं, कविता क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए, कविता जो पढ़ना है वो देख लीजिए गिनती से बहुत सारा, इसमें 31 कविता है, कविताएं बहुत छोटी छोटी कविताएं, एक पेज में कविता है, 31 कविता है, जैसे आज़ादी के रईस का, उसके बाद है आपका जुआन, फिर आपका है माटी, फिर आपका है दहेज समाज के करखा, फिर आपका है आस, फिर आपका है आज़ादी के गीत, माटी और संस्कृति, ये सब आपका सोंध माटी का कविता वाला भाग है, ठीक है ना। छः के बाद और आगे आ जाइए,
आपका है नारी, आपका है खोडर। खोडर खोडर किसको बोलते हैं? खोडर बोलते हैं जहाँ गड्ढा आता है, ठीक है ना, कहीं पे जमीन में या पेड़ में या कहीं पे या दांत में कहीं भी खोडर हो गया जो गड्ढा बोलते। आंखी कांदना है ना, आंखी कांदना। तो ये सब सारा जो है वो सोंध माटी का क्या, सोंध माटी का ये कविता वाला भाग है, ये सब सोंध माटी का कविता वाला भाग है। सोंध माटी का कविता वाला भाग है। धरती माई, किसाने की जिंदगी, गुलौची फूल, गुलौची फूल एक होता है नीम, प्यासल धरती, मम्मी पापा, रे मन, जुआन और किसान है ना, वर्षा ऋतु। उसके बाद जिंदगी, जिंदगी एक मजूरा के, मजूरा मतलब होता है मजदूर है ना, मजदूर। बोनिक डाक, जाड़ा ऋतु, बोनिक डाक मतलब क्या, डाक बुलाना, जंगल बुला रहा है ना, बोनिक डाक, जाड़ा ऋतु, रक्षाबंधन, बछड़े कांदना, करिया हीरा, आदमी निक जीव है, भगजोगनी, नेता और नियत, बिजली की महिमा, नशा पान, और लास्ट में है आपका पेपर बेचुआ। लास्ट में जो है पेपर, लास्ट में आपका है पेपर बेचुआ। यही तक पढ़ना है। यहीं तक पढ़ना है आपका, यहीं तक, ठीक है। 31 के आगे नहीं पढ़ना है, 31 के आगे आपको नहीं पढ़ना है। अगर 31 के अगर आगे आपको दिखाई पढ़ भी रहा है, ठीक है, तो क्या है वो, इसको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना और नहीं पढ़ना है। ये आपका खोठा सोंध माटी का कविता वाला भाग है, खोठा के सोंध माटी का ये कविता वाला भाग है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक पढ़ना है, 31 तक ही पढ़ना है। तो अब क्लियर हो गया, फिर आप पीछे लौटते हैं, फिर पीछे लौटते हैं। तो पहला क्या है, एक पथिया डोंगल महुआ, जो कि अभी आया नहीं है, आ जाएगा। सोंध माटी अवेलेबल है, डिंडा के डवानी अवेलेबल नहीं है, और तातल और हेमाल ये अवेलेबल है, ये मिलना शुरू हो जाएगा कल परसों से। नीचे वाला तातल हेमाल है, ये आपका मिलना शुरू हो जाएगा, ये अभी अवेलेबल नहीं है, ये आशा है जल्दी आ जाएगा, ये आपका अवेलेबल है, ये आपका आने वाला है। तो ये आपका इतना पद भाग का है, चार, वहां पे गद भाग में चार था, पद भाग में चार, अब क्लियर है। अब आइए खोठा व्याकरण। भैया जो भी झारखंड में तैयारी कर रहे हैं वो सभी को इसको बोला जाए कंपलसरी फॉर ऑल। अगर कह दिया जाए कि कंपलसरी फॉर ऑल, तो कोई इसमें कंपलसरी फॉर ऑल है ना, मतलब सभी के लिए अनिवार्य, सभी के लिए अनिवार्य है ये खोठा व्याकरण। जेपीएससी की तैयारी पढ़ना है व्याकरण, सीजीएल पढ़ना है, उत्पाद सिपाही पढ़ना है, इंटर लेवल पढ़ना है, मैट्रिक लेवल पढ़ना है, ठीक है, झारखंड पुलिस पढ़ना, जो झारखंड में जहां पे फॉर्म आया और जहां टच किया उसको भरना चाहे, पढ़ना पड़ेगा वो खोठा व्याकरण। उसमें क्या, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, वचन, काल, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इसमें आपका 2-3 ठो टफ है। टफ क्या है, टफ है आपका मुश्किल सर्वनाम, टफ है आपका क्या, टफ है आपका काल, टफ है आपका समास, और टफ है आपका कारक। संज्ञा बच्चा वाला है, सर्वनाम और कारक टफ है, लिंग और वचन बच्चा वाला है, काल मुश्किल है। काल वास्तव में क्या, टेंसी है, काल वास्तव में टेंसी है, टेंस आप पढ़े ही हैं काल, सो काल पढ़ लीजिए। समास और मुश्किल है कर लीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय तो ये कर लीजिएगा, तो आपका पूरा खोठा व्याकरण जो है सो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट आपका है खोठा निबंध। ये निबंध कहता है कि सामसामयिक विषयों पे जो निबंध लिखा जाएगा या लिख के आएगा, उसी के आधार पर सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। सब क्लियर, 100 सवाल रहेगा इसमें, पूरा 100 सवाल रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस में इसको फिर से काम करना पड़ेगा, अभी तो आधा अधूरा काम किए हम भी, चूँकि इसलिए कि अभी जो सिलेबस है वो पूरा मार्केट में अवेलेबल है नहीं, तो हम भी इसमें आधा अधूरा ही अभी काम कर पाए हैं, है ना, अभी आधा अधूरा ही कर पाए हैं, आधा अधूरा ही। लेकिन 4 से 5 दिन के बाद जो है सो ये पूरा है ना, पूरा कंप्लीट हम करेंगे। JSSC इंटर लेवल पे खोठा भाषा में अगर आपको लगता है कि आप खुद से पढ़ने में सक्षम हैं, भैया पढ़ लीजिए खुद से, और लगता है कि नहीं खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, समस्या आ रही है कंटेंट का, मटेरियल का, टेस्ट का, क्लास का, तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। सीधे एक नंबर दे रहे हैं आपको, एक नंबर पे सीधे कॉल कीजिए, ये नंबर है 9310377006, ठीक है,
इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, या फिर मेरा नंबर है 9599624627, मैसेज कर दीजिए 9599624827, मैसेज क्लास मिल जाएगा आपको। अगर आप खुद सक्षम हैं पढ़ने वाले तो खुद से पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा फंस रहे हैं, दिक्कत है मैटर के लेवल पे या जो भी क्लास के लेवल पे, यार मन नहीं कर रहे, कभी कभी ऐसा होता है, अब रिलेटिव अपने अकेले पढ़ रहे हैं, आपका कोई ग्रुप नहीं है, आप बाहर रहते हैं, दूर में रहते हैं, तो इसलिए आप लगता है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हार्डवेयर कैंपस पे मोबीशाला का जो ऐप है उस पे सारा क्लास अवेलेबल है। हम लोग का काम क्या है, पढ़ाना, वैकेंसी आ गई पढ़ाएंगे मन लगा के, बस पढ़ाना ही काम है। CGL में प्रयास कर ही अच्छा से काम करने का, JPSC में काम करके अप्रूव कर चुके हैं, तो हमको अप्रूव नहीं करना, हम JPSC में काम करके प्रूव कर चुके हैं, जैसा सी पढ़ा सकते हैं तो CGL तो आराम से उड़ा देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, और सबसे बड़ी बात कि वैकेंसी लगातार आ रही है, इसका मतलब है कि सरकार की मंशा है काम करने की, सरकार की मंशा ये नहीं है कि काम नहीं करने की। तो बिलीव कर लिया जाए, अपना सरकार है, माय माटी मानुष की सरकार है, थोड़ा सा बिलीव कर लिया जाए, वैकेंसी आ रही है तो आशा है कि एग्जाम भी होगा, ठीक है। तो लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए, और हिम्मत हारने लगिए, लगे कि बोझ बन रहा है तो हमको कॉल कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, हम जरूर आपको पॉजिटिव, आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के इतना ही, ऑल द बेस्ट।